The great stupa at Sanchi is one of the oldest stone structures in India and an important monument of Indian architecture. It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in the 3rd century BCE. Its nucleus, Its nucleus is a simple hemispherical brick structure built over the relics of the Buddha. It is a perfect example of combination of solid figures. A big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है. ओके, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है. तो इन्होंने एक रियल लाइफ से बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें दो सॉलिड फिगर्स को कंबाइन किया गया है. एक सॉलिड फिगर है ये, दिस इज़ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है. ओके, और दूसरा सॉलिड फिगर है ये, विच इज़ अ क्यूबॉइड. ये ऊपर जो रखा हुआ ना, ये क्यूबॉइड है. तो इन्होंने रियल लाइफ से हमें एग्जाम्पल दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड फिगर्स का. अब देखते हैं इस पर मैथमेटिकल क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उसी तरफ होना चाहिए. इस हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है. ओके, आप पढ़ना चाहें तो फ्री वक्त में पढ़ सकते हैं इसे. इधर आते हैं. द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ़ द हाइट ऑफ द डोम इज़ 21 meters. हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इसका. तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो है 2/3 πr³. मैं ये फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये हेमिस्फेयर है. ओके, हेमिस्फेयर के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2/3 πr³. ठीक है जी, तो 2/3 कॉपी करते हैं, पाई को लिखते हैं 22/7 और रेडियस है 21. रेडियस क्यूब लिखना है मुझे, तो मैं 21 का क्यूब लिखूँगा. एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि सर ये तो हाइट गिवन थी, आपने रेडियस को 21 क्यों लिखा. तो आप देखो, ये डोम है, हेमिस्फेरिकल डोम है. तो हेमिस्फेरिकल डोम में अगर वो हाइट हमें देते हैं 21 meters, तो यही हाइट हेमिस्फेयर की रेडियस भी होती है. तो हेमिस्फेयर में अगर वो आपको हाइट देते हैं तो ये रेडियस से डिफरेंट नहीं है. हाइट एंड रेडियस यहाँ सेम रहता है. ओके, रेडियस को हाइट, हाइट को रेडियस आप बोल सकते हो. सो इस वजह से हाइट ही रेडियस है और वो 21 है. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 7 1 times 7 3 times then 3 1 times 3 1 times. सिंप्लीफाई करते हैं. 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 44 मिलेगा. एंड इसके बाद 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 441 मिलेगा. अब इन नंबर्स को चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. 441 को मल्टीप्लाई करते हैं 44 से, वी विल गेट 19,404. यूनिट इसका क्या था? मीटर था. तो आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर. तो आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, 19,404. सी यू का मतलब क्यूबिक है और एम का मतलब मीटर है, क्यूबिक मीटर. आई होप ये क्लियर है. चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. ध्यान दें, वो स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहे हैं. ओके, जो पिक्चर ये दिखा रहे थे वो हेमिस्फीयर की थी, लेकिन वॉल्यूम हमें बताना है स्फीयर का क्या होता है. तो स्फीयर का वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो फार्मूला होता है 4/3 πr³. ओके, तो बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा इसका. 2/3 πr³ पर टिक मत करिएगा क्योंकि ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है एंड दे आर नॉट आस्किंग यू दैट वॉल्यूम. चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. द क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस इज दिस. ओके, देखो वो बोल रहे हैं कि जो हेमिस्फेरिकल डोम है, ओके, इसको कवर करना है किसी कपड़े से. तो वो जो आपको क्लोथ लाना है, कपड़ा लाना है या कैनवस लाना है, उसका एरिया कितना होना चाहिए? तो जितना इस डोम का कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही उस कपड़े का एरिया होना चाहिए जो इसको आपको कवर करने के लिए चाहिए. ओके, फिलहाल ये सिर्फ डोम की बात कर रहे हैं, इस पार्ट को इग्नोर करना है. ओके, यूँ समझो कि इस पार्ट को कवर नहीं करना है, ये पार्ट अभी यहाँ पर नहीं है. ओके, वो सिर्फ हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात कर रहे हैं कि हेमिस्फेरिकल पार्ट को कवर करने के लिए क्या चाहिए होगा. तो चलिए, हेमिस्फेरिकल पार्ट को कवर करने के लिए क्लोथ उतना ही चाहिए होगा जितना हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा. तो क्लोथ रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम. तो डोम क्योंकि हेमिस्फेरिकल शेप में है और हेमिस्फेरिकल शेप का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो निकलता है 2πr² से. ओके, हम 2 को 2 लिखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, रेडियस की वैल्यू देखें इस बार 14 गिवन है तो 14 लेनी है. अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने अलग अलग रेडियस दी हुई हैं, तो आप जिस पार्ट में जो रेडियस गिवन है उसी को यूज़ करोगे. सो यहाँ रेडियस हम लिखेंगे 14 × 14. 7 1 times 7 2 times. 2 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 44 मिलेगा. 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 88 मिलेगा. 88 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1232 मिलेगा.
1232, और ये मीटर है तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये आप लिख सकते हो स्क्वायर मीटर। तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, 1232 स्क्वायर मीटर। आई होप ये भी क्लियर है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ जो अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करता है। ओके, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कम्बाइंड फिगर, हमें कम्बाइंड फिगर का मतलब हेमिस्फीयर और क्यूबॉइड इन दोनों से मिलकर जो कम्बाइंड फिगर बना है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये देखिए, ये हेमिस्फीयर था, ओके, ये हेमिस्फीयर था, और हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्यूबॉइड कुछ इस तरह से रखा हुआ है, कुछ इस तरह से एक क्यूबॉइड रखा हुआ है, एक क्यूबॉइड रखा हुआ है। तो बताना है इसका कम्बाइंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे इस डोम का, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड ही कर चुके हैं, 1232। ओके, इसको हम यूज़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आप देखें रेडियस वही गिवन है, देखें 14 मीटर रेडियस गिवन है, रेडियस चेंज नहीं उन्होंने की है। तो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया था इस डोम का, 1232। ओके, तो वही यहाँ भी काम करेगा, लेकिन साथ में भी ऊपर भी एक स्ट्रक्चर आ गया है तो उसका भी सरफेस एरिया इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम लिखेंगे, अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर आपको इसका पूरा सरफेस एरिया चाहिए तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम लिख लो, प्लस इसमें ऐड कर दो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम हमको पहले से मालूम है, थर्ड पार्ट में हम सॉल्व कर चुके हैं, 1232, आप उसे कॉपी कर लो। प्लस अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करते हैं, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, ओके, जो क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड का जो बॉटम सरफेस है वो इस स्तूपा के हेमिस्फेरिकल पार्ट के टॉप से कवर हो गया है। आप देखो ना, अगर आपको ये सरफेस देखना है तो इधर से दिख रहा होगा, ये सरफेस दिख रहा होगा, वो सरफेस भी दिख रहा होगा, ओके, ये सरफेस भी दिख रहा होगा। ओके, अब मैं आपको आप रियल पिक्चर में दिखाता हूँ, आप देखें ये सरफेस आप देख सकते हैं, ओके, इसी तरह ये सरफेस भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इन दोनों सरफेस के ऑपोजिट दो सरफेस हैं इस तरफ, वो उस तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो चार दीवारें हैं इस क्यूबॉइड की, चार वॉल्स हैं इस दीवार क्यूबॉइड की, वो आपको दिख रही हैं। ओके, जो टॉप है वो भी दिख रहा होगा, लेकिन बॉटम नहीं दिख रहा है, इस क्यूबॉइड का बॉटम छिप चुका है। तो जो सरफेस एरिया छिप चुका होता है वो आपको फाइंड भी नहीं करना होता है। तो जब क्यूबॉइड का आप सरफेस एरिया निकालोगे तो ध्यान रखना कि बॉटम का या बेस का सरफेस एरिया मत निकालिएगा, क्योंकि अब वो हाइड हो चुका है, अब वो छिप चुका है, जो छिप गया वो ख़त्म हो गया। तो चलिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला था 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये लिखेंगे तो, लेकिन इसमें से बेस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेस में क्या होता है, देखो बेस में क्या है कि ये बेस की लेंथ है और ये बेस की विड्थ है, तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको बेस का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, ये यहाँ से बाहर निकाल दो। ओके, ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि ये छिप चुका था। ओके, आगे बढ़ते हैं, 1232 प्लस 2 लिखते हैं। अब लेंथ की वैल्यू देखो, ये डायमेंशंस गिवन है, इस डायमेंशन में ये पहली वैल्यू हमेशा लेंथ के लिए होती है, दूसरी ब्रेथ के लिए होती है, तीसरी हाइट के लिए होती है। लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है, हाइट 4 है, तो आप लेंथ को लिखो 8, ब्रेथ को लिखो 6, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट का मतलब हो जाएगा ब्रेथ है 6 और हाइट है 4, प्लस हाइट इंटू लेंथ का मतलब हो जाएगा हाइट है 4 और लेंथ है 8। अब ब्रैकेट के बाहर आते हैं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 8 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए लिखते हैं, 1232 प्लस 2, 8 इंटू 6 होता है 48, 6 इंटू 4 होता है 24, 4 इंटू 8 होता है 32, ब्रैकेट के बाहर आते हैं, 8 इंटू 6 होता है 48। ओके, चलिए अब इसके आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आई होप अभी आपका ये डाउट क्लियर हो गया है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनको डाउट होता है इस क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा। तो 1232 मैंने लिखा, प्लस मैंने 2 लिखा, 48 प्लस 24 प्लस 32, अगर इन तीन नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 48 प्लस 32 हो जाएगा 80, 80 प्लस दिस 104 माइनस 48। अभी आप लिखो 1232 प्लस 104 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 208 होगा माइनस 48। अब 1232 को, वन मिनट, यस 1232 को आप ऐड कर लो 208 में तो आपको मिलेगा 1440, और इसमें से 48 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसमें से जब आप 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1392।
मीटर, क्योंकि ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा. ओके, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. अब आते हैं लास्ट पर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल शेप्ड टॉप. सिर्फ क्यूबॉइडल शेप जो टॉप है उसका वॉल्यूम पता करना है. ओके, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें जगह कितनी है. तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, क्योंकि एक क्यूबॉइड है तो फार्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ ब्रेथ हाइट, इन्होंने बोला है कि डायमेंशन आप वो यूज़ करो जो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन थे. तो क्यूबॉइड के डायमेंशन गिवन थे 864. इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 8 × 6 इज़ 48. 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192. यूनिट था मीटर, तो मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा. दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, 192 मीटर क्यूब. आई होप इट इज़ क्लियर. कोई भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखो, कंप्लेन करो.